नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। करोड़पति बनना है तो होली की अग्नि में चुपचाप डाल दें घर की एक चीज। फाल्गुन मास की शुरुआत होते ही होली के उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। हिंदू धर्म में होली का बड़ा महत्व है। होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है और होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे मुहूर्त, मुंडन, गृह प्रवेश, शुभ यज्ञ जैसे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस होलाष्टक के दौरान भद्रकाल का समय चल रहा होता है। भद्रकाल का अर्थ है भद्रा देवी, जो शनि महाराज की बहन है और सूर्यदेव की पुत्री है। उनका स्वभाव भी शनि महाराज की तरह अति कठोर माना गया है। उनके कालचक्र समय कोई भी शुभ कार्य करना लाभकारी माना नहीं जाता, लेकिन होलिका के पश्चात सारे शुभ कार्य मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। रंगों को खेलकर एक नए कल की शुरुआत का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार होलिका दहन का पावन पर्व 7 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और होली का पावन पर्व 8 मार्च दिन बुधवार को है। दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी 7 मार्च दिन बुधवार को और इस दिन होलिका दहन जलाया जाएगा। होलिका दहन का मुहूर्त रहेगा 7 मार्च को शाम 6:10 से लेकर रात्रि 8:45 के बीच होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार 7 मार्च दिन मंगलवार को यानी कि होलिका दहन के दिन भद्रा काल का साया नहीं रहेगा और उसके अगले दिन 8 मार्च को नए कल की शुरुआत होगी, यानी कि चैत्र मास की कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत हो जाएगी, जिस दिन रंगों की होली खेली जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में काफ़ी समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। बस आपको होलिका दहन में ये कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, तो आइए जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। होलिका दहन के दिन करें ये उपाय। अगर बहुत समय से आपके जीवन में कई सारे कष्ट आ रहे हैं और समस्याएं भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो होलिका दहन के दिन घर के जो सभी सदस्य हैं साथ मिलकर होलिका की पवित्र अग्नि में देसी घी, दोलोंग, बताशा, कुमकुम और अग्नि की 11 परिक्रमा करते हुए उसमें सूखे नारियल को चढ़ा दें। आप खुद देखेंगे कि आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। ध्यान रखिएगा कि घर के सारे सदस्य मिलकर होलिका माता की आराधना करें, इससे लाभकारी फल प्राप्त होता है। दूसरा उपाय, इस मास में सबसे ज़्यादा काले टोटके कर्म कांड किए जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने आप पर कोई टोटका कर रखा है तो आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, तो होलिका दहन के दिन सुबह में आप अपनी जेब में या फिर अपने पास काले तिल को काले कपड़े में बांध कर अपने पास रख लें और रात को होलिका दहन की पूजा के समय उस पोटली को अग्नि में डाल दें। इससे आपके ऊपर किए कराए टोने टोटके का असर नष्ट हो जाएगा और भगवान नरसिंह की कृपा से आप पर चढ़ी काली नज़र भी उतर जाएगी और कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तीसरा उपाय, आपके शत्रु आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न करते रहते हैं या किसी बुरे नज़र के चलते आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या लंबे समय से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन की पूजा के समय आपको गोमती चक्र लाकर उसके साथ होलिका दहन की अग्नि के साथ चक्र लगाने हैं और पूजा के बाद आपको ये गोमती चक्र अग्नि में डाल देना है। इससे आप पर लगी बुरी नज़र, शत्रु का भय और स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएगी। चौथा उपाय, अगर आपके व्यापार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, धन आपके पास नहीं टिकता और घर में सदैव क्लेश का माहौल बना रहता है, तो आप ये उपाय अवश्य करें। आप होलिका दहन की पूजा के बाद उसकी थोड़ी सी राख अपने घर ले आइए, अपने व्यापार की जगह पर रख दें। इसमें थोड़े से नमक के साथ किसी कपड़े में बांधकर रख दें और यदि घर में रखना चाहते हैं तो गमले में तुलसी के पौधे के पास इस मिट्टी में इसे मिला दें और रोज़ इसके सामने दिया अवश्य जलाएं। इससे घर में और घर के सभी सदस्य पर काली नज़र और टोने टोटके का प्रभाव नहीं रहेगा और व्यापार आदि समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। घर की शांति बनाए रखने के लिए एक उपाय जरूर करें। एक मिट्टी के बर्तन में 11 लाल मिर्च के दाने रखकर उसे होलिका के प्रज्वलित अग्नि में रख दें, डाल दें।
निश्चित तौर पर घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन यश वैभव की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो आप चाहते हैं कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अगर आप लखपति बनना चाहते हैं, धन से मालामाल बनना चाहते हैं, पैसों की कमी जीवन में ना आए, तो आप होली की अग्नि में 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़े से आप यानी कि चोकरा ले लें आटे का, जिससे आटे जब आप चालते हैं ले लें, थोड़ा सा नमक ले लें और थोड़ी सी राई ले लें और लाल मिर्च ले लें, सबको एक साथ यानी कि रख कर मिलाकर और अपने ऊपर से 3 बार उल्टी बार लें, घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 3 बार उल्टी बार कर ले जाकर चुपचाप होली की अग्नि में डाल दें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, जीवन की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी, होलिका माता की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इस दिन आप थोड़े से चने लेकर जाएं और चने को आप क्या करें कि आप अपने सर से 3 बार उल्टी बार के 3 बार परिक्रमा करें होलिका की अग्नि की और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए होली की अग्नि में 11 बार डाल दें, थोड़े थोड़े करके सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, धन वैभव यश की प्राप्ति होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर में सुख समृद्धि से घर भर जाएगा, धन यश वैभव से घर भर जाएगा, आप लखपति बन जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई काम आपका नहीं बनता, बना बनाया काम बिगड़ जाता है या आए दिन आपके कामों में शत्रु विरोधी परेशान करते रहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय करें, आप 11 लाल मिर्च ले लें और लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी राई ले लें, काली वाली राई ले लें और काले उड़द ले लें और आप यानी कि अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए होली की अग्नि में डाल दें, चमत्कार खुद देखेंगे, यानी कि लाभ ही लाभ होगा, कभी भी धन वैभव की कमी नहीं महसूस होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी और होलिका माता भी प्रसन्न हो जाएंगे, नरसिंह देव प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई संतान संबंधी समस्या है या फिर वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें, हल्दी, गांठ वाली हल्दी ले लें और 5 हल्दी की गांठ 5 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए आप डाल दें, संतान की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और घर में कभी भी आप दोनों के बीच अनबन नहीं होगी, घर का वातावरण समय यानी कि हमेशा शुद्ध रहेगा। दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए निश्चित तौर पर आप यानी कि इसमें चाहें तो आप लाल पुष्प यानी जरूर डाल दें, 2 लाल पुष्प बहुत लाभकारी होगा। दोस्तों, इस दिन थोड़े से चावल ले लें, थोड़ी सी आप राई ले लें, थोड़े से आप चोकरा नमक ले लें, नमक के डालने से भी घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो इस प्रकार से अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो होली की अग्नि में ये चीज़ें जरूर डाल दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि होलिका माता का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बने। दोस्तों, होलिका माता को यानी कि जलाने से पहले, होलिका की अग्नि को जलाने से पहले इस वीडियो को आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के बीच और एक लाइक तो बनता है और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।